गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हम आ चुके हैं नेक्सोमॉन के साथ। तो गाइस आपको याद होगा नेक्सोमॉन का फाइनल एपिसोड आ चुका है, फिनाले हो चुका है गाइस, लेकिन वो फाइनल एपिसोड नहीं था भाई, और भी एपिसोड आने वाले मैं कहा था। अभी हमें लेजेंडरी नेक्सोमॉन्स को पकड़ना है गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनको सबको चैलेंज करना है। तो भाई मुझे रास्ते में पता नहीं भाई वार्डन्स दिख रहे हैं, तो वार्डन्स से मुकाबला करना पड़ेगा या फिर सिर्फ कलेक्ट करना पड़ेगा पता नहीं भाई सब। चलो भाई मैं गाइस, मुझे लगता है हमें घर के सामने एक बंदा खड़ा है गाइस, तो एक वार्डन खड़ा है मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, तो जाके उससे बात करने वाले हैं गाइस आज के वाली वीडियो में। तो भाई साहब मैंने दो लेजेंडरी नेक्सोमॉन देखे हैं गाइस, और हमारे पास आपको याद होगा हमारे पास एक रिमोट मिल चुका है गाइस, जो हमने नेक्सोनियम 41 कलेक्ट कर लिए थे, तब हमें इसने अपनी जादूगरनी ने हमें एक रिमोट दिया था गाइस, जिससे कि हम पता कर सकते हैं रेयर नेक्सोमॉन्स कहाँ पे, मतलब लेजेंडरी नेक्सोमॉन्स को डिटेक्ट कर लेता है भाई। तो भाई मैंने अब तक दो लेजेंडरी नेक्सोमॉन्स को चैलेंज किया है, तो उनके पकड़ने की ट्राई किया भाई, लेकिन वो हाथ नहीं आए क्योंकि भाई साहब, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बैक टू पुरानी टीम, तो अभी इनका लेवल अप कर रहा था मैं याद होगा गाइस हमारे नई टीम के तभी 90 क्रॉस हो चुके हैं लेवल, तो बहुत बढ़िया गाइस, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन्हें फिर से कैरी कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए मुझे आपको दिखाना था, तो गाइस मेरे पास नेक्सो ट्रैप तो है गाइस, लेकिन थोड़े वीक लेवल के है, तो मुझे शायद से अपना पावरफुल वाले जो नेक्सो ट्रैप होते हैं ना वो लेने चाहिए। तो भाई मुझे गोल्डन नेक्सो ट्रैप लेने चाहिए मुझे लगता है गाइस ऐसा, लेकिन यार डायमंड से आते हैं गाइस, मैं डायमंड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। चलो भाई कोई बात नहीं गाइस, फ्यूचर में देख लूँगा, फिलहाल के लिए अगर चलते हैं। और गाइस वेट करो गाइस, अभी हमें डार्कोमोन का एपिसोड आया गाइस, वेट करो। और गाइस यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे वाटर वाला है शायद से, वो वाटर है ना, विंड है या फिर वाटर है। चलो भाई कोई भी हो गाइस, जाके उसको चैलेंज करने वाले हैं, अभी चैलेंज करेंगे या फिर उसे बात करेंगे मुझे पता नहीं। तो गाइस नया गेम शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ, तो स्वाडी को शुरू करें क्या, ड्रैकोमोन के साथ स्वाडी को शुरू करें क्या, आप कमेंट करके बताओ गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मुझे स्वाडी को खेलना चाहिए फिर नहीं। तो चलिए भाई पहले तो जाके देखता हूँ भाई हमारे घर के सामने क्या कर रहा है इसकी भैंस की टांग, चलो इसे बात करते हैं। ओ भाई साहब डायरेक्ट चैलेंज गाइस, ओ भाई कुछ अलग ही लग रहा है कलर इसका। चलो गाइस कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आजा बेटा आजा। तो वार्डन से मुकाबला कर रहे हैं, अबे ये क्या बात हुई, अरे रुको यार मुझे कुछ ठीक नहीं लगा ये। अबे भाई साहब हम किससे चैलेंज कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई यार, ये मतलब ये तो चीटिंग हो गई भाई हमारे साथ, लेवल हमारा थोड़ा वीक ही है गाइस, उसको अटैक करने का मौका भी नहीं मिला भाई। चलो गाइस कोई बात नहीं गाइस, स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक करते हैं गाइस इसकी भैंस की। चलो भाई साहब और एक नेक्सोमॉन आके खत्म कर देगा, टेंशन की कोई बात नहीं है गाइस, लेकिन यार इसको नहीं आना था भाई, दूसरे को आना था मेरे ख्याल से। चलो गाइस कोई बात नहीं गाइस कोई बात नहीं, अपनी कैट को बाहर निकाल लेते हैं, अभी इसको एनर्जी ब्लास्ट से मदद चकाता हूँ गाइस, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। ओ भाई साहब मुझे लगा गाइस, अरे अरे कितने हैं भाई, शिट यार ये मतलब नेक्सो बैटल होने वाली थी भाई, मुझे तो अपनी पुरानी टीम को लेना चाहिए गाइस फिर से। चलो जी कोई बात नहीं गाइस कोई बात नहीं, हम अपना ग्रास टाइप को निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए, तो यार इसका लेवल बहुत कम है तो ये ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो मैं इसको रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ भाई, रिवाइव सुपर रिवाइव कहें पे भाई सुपर रिवाइव करते हैं गाइस। चलो भाई सब बहुत बढ़िया गाइस, अटैक कर ले बेटा अटैक कर ले, अभी दिखाता हूँ तुझे। चलो गाइस फिलहाल के लिए अपना वाटर को निकाल लेते हैं, हाँ हाँ मैं थोड़ा डिसएडवांटेज में चल रहा हूँ पता है गाइस, मुझे अगर पता होता कि नेक्स्ट जो बैटल होने वाली है तो मैं अपने स्ट्रॉन्ग वाले नेक्सोमॉन वाला था भाई तो इनका लेवल अभी अप कर रहा हूँ, तो लेवल अप करने के बाद बुलाऊंगा भाई फिर से। चलो भाई कोई बात नहीं गाइस, एडिट आपको निकाल लेते हैं अभी आएगा मज़ा, तो इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं गाइस इसकी भैंस की टांग। ओ भाई बहुत बढ़िया, तो इसके पास सारे वाटर टाइप के होंगे मेरे ख्याल से गाइस, हाँ हाँ भाई सारे वाटर टाइप है गाइस। चलो जी कोई बात नहीं गाइस, फिर से इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं गाइस। ओ भाई इसकी एचपी देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही भाई इसकी एचपी, ओहो रिव्यू कर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, फिर से इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं। चलो भाई साहब ये भी ना बात, ओ भाई आखिरी नेक्स्ट मैच बचा है गाइस, इसको भी हमें धूल चटानी पड़ेगी, लेकिन गाइस हमारा एक ही इलेक्ट्रिक टाइप है यहाँ पे, कोई बात नहीं गाइस इलेक्ट्रिक ब्लास्ट अटैक करते हैं फिर से, इसके आधे से ज़्यादा एचपी निकालना पड़ेगा। ओहो बहुत ही प्यारा गाइस बहुत ही प्यारा, लेकिन यार इसने देख लिया कोई बात नहीं गाइस, अपना फायर टाइप को निकाल लेते हैं भाई, फायर टाइप कुछ कर सकता है गाइस भी, तो ब्लेस्ट ट्रैक अटैक करते हैं गाइस। चल निकल तेरी भैंस की टांग, ओ भाई मैंने इसको इवॉल्व नहीं किया है, मैं इवॉल्व करना भी नहीं चाहता इसको। चलो लेवल अप हुआ है बहुत बढ़िया, तो नहीं लेवल तुम इवॉल्व मत हो भाई, मुझे ये वाला फॉर्म ऐसा लगता है इसका, अगला वाला फॉर्म उतना खास नहीं लगता मुझे। चलो गाइस ओके गाइस हमें इसको 10 बार हराना पड़ेगा, ऐसे करके सबको हराना पड़ेगा भाई, तो यार हम ऐसे तो हरा नहीं पाएंगे,
सबसे पहले चलता हूँ, सबसे पहले जाके अपना नेक्सोमोन चेंज कर लेता हूँ भाई, वरना ये हमें ऐसे ही धूल चढ़ाते रहेंगे। तो भाई बैटल लड़ने में बहुत तकलीफ ही, आपको देखा ही होगा आपने। तो यहाँ पे रास्ते में एक शायद से है गाइस। ओह नहीं नहीं, बैटल नहीं लड़नी, बैटल नहीं लड़नी किसी से भी अभी। सबसे पहले अपने नेक्सोमोन चेंज करके आता हूँ, उसके बाद बैटल लड़ता हूँ। हमारे घर में भी एक बंदा छुपके बैठा है भाई, उसको भी धूल चढ़ाएंगे अभी आके। सबसे पहले तो चलता हूँ भाई, थोड़ा रास्ते में कोई बंदा था, मैंने देखा था उसको, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया, ऐसे ही भाग के आ गया था भाई मैं। रुको रुको, आगे ही होगा वो, मिला नहीं अभी तक। तो गैस पिछली वाली वीडियो में आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। चलो भाई, हीलिंग सेंटर यहाँ पे है, लेकिन हमें हील नहीं करना है, हमें चेंज करना है अपने एग्जोमोन्स। चलो भाई डिपॉजिट करते हैं, इसको भी वापस, इसको वापस, इसको, सबको ही कर दो भाई, ऑल का ऑप्शन नहीं क्या इसमें? चलो जी विड्रॉ करना है गाइस, लेवल पे क्लिक करो, इसको विड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी कर लो भाई, इसको भी कर लो। चलो जी हाई लेवल के सब कर लेता हूँ भाई अभी। ओके भाई सब, इसको हमें वापस भेजना है और इसको ले लेना है। चलो गाइस फाइनली हमारी बैक टू टीम आ चुकी है। तो गाइस ये स्ट्रांग है, फिलहाल के लिए मैं इनको इस्तेमाल करने वाला हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो तक मैं उनका भी लेवल अप कर दूंगा भाई, तब हम उन्हीं को यूज़ करेंगे भाई। फिलहाल के लिए इनके 90 लेवल है, तो ये भावी पढ़ने वाले हैं गाइस उनके ऊपर। चलो गाइस सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भाई ये ओके गाइस ये है अवेलेबल है गाइस, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक बंदे को देखा था, तो मैं जाके पहले उसको चैलेंज कर लेता हूँ भाई, फिर जाके हमारे घर में जो घुस के बैठा है उसको देखूंगा। फिलहाल के लिए हम अपना यहाँ पहले नेक्सोमोन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, वाटर टाइप को बाहर लेते हैं भाई। चलो भाई सब बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जाके देखता हूँ गाइस यहाँ पे था गाइस, बाहर था वो। चलो भाई कहाँ पे हो, वो रहा गाइस, ग्रास टाइप है ना शायद, अरे नहीं विंड है, वो विंड है, आई थिंक विंड है गाइस, मुझे पक्का पता नहीं है, विंड है तो मैं अपना नेक्सोमोन फिर से चेंज कर लूँगा भाई। चलो गाइस चैलेंज करते हैं इसको, देखते हैं, आजा 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 भाई। ओके शायद से ग्रास है गाइस ये भाई, देखने में कुछ अलग ही लग रहा है भाई ये। चलो भाई सब, तो नेक्स्ट बैटल होने वाली है गाइस। अरे यार ग्रास टाइप है ना, ओके मैंने गलत चुना है गाइस, कोई बात नहीं गाइस, अभी हम अपना सबमिशन अटैक करते हैं, फिलहाल के लिए सबमिशन अटैक करते हैं, इसके बाद चेंज कर लेंगे। चलो भाई सब एक ही अटैक में जा रहे हैं, 90 लेवल के भाई सब, 88 लेवल का है, बहुत बढ़िया। ग्रास टाइप है भाई, सारे ग्रास टाइप है इसके पास, सबमिशन अटैक करते हैं फिर से। चलो भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट विंड टाइप को निकालेंगे तब हमारा सब ठीक हो जाएगा, विंड है उनके पास, फायर भी है, तो बात बननी चाहिए। ओ भाई बहुत सही बच रहा है गाइस, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ भाई, विंड को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी एक अटैक पड़ गया तो हमारा वाटर टाइप बहुत ही मुसीबत में आ सकता है। चलो भाई सब कोई बात नहीं अपना विंड अटैक करते हैं गाइस, विंड ब्लो अटैक करते हैं, तेरी भैंस की टांग। ओ भाई इसके पास 6 के 6 नेक्सोमोन्स है गाइस, देख रहे हो। चलो जी तीसरा नेक्सोमोन आ चुका है इसका, ओ भाई विंड है ये। चलो भाई सब कोई बात नहीं गाइस, इसके पास इलेक्ट्रिक अटैक भी होता है ना, मुझे उससे बच के रहना पड़ेगा, तो स्लैश अटैक करते हैं। ओ भाई बच गया यार, स्ट्रॉन्ग अटैक मत करना भाई, अटैक पावर डिक्रीज किया इसने, कोई बात नहीं गाइस, विंड ब्लो अटैक करते हैं फिर से, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। चलो गाइस बहुत बढ़िया, और 3 एग्जाम बचे हैं गाइस, ग्रास टाइप बहुत बढ़िया। ओहो भाई धीरे धीरे यार, सबसे पावरफुल मौसम आते हैं गाइस। चलो भाई निकल, ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, एक ही अटैक और एक गायब, अभी 2 एग्जाम बचे हैं गाइस, देखते हैं। ओ भाई साहब फायर टाइप, ये क्या बात हुई, कोई बात नहीं, पहले देख लेता हूँ भाई कोई है इससे भिड़ने के लिए, कोई होगा। ओके गाइस ग्राउंड है, इसको निकाल लेता हूँ भाई। ओ भाई साहब, अरे यार नहीं, कोई बात नहीं, स्लैम अटैक करते हैं। चलो भाई इसको डैमेज तो नहीं मिला, कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट अटैक में इसको ख़त्म ही कर दूंगा अभी। रुको यार, मीटियर क्रश अटैक करते हैं गाइस। चलो जी बहुत बढ़िया, ओहो भाई साहब 600 का डैमेज, बहुत बढ़िया। चलो जी आखिरी एग्जाम बचाया गाइस, ग्रास टाइप है। चलो जिसको पकड़ना था यार मुझे, इसको बहुत ढूंढा मैं, नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर कभी पकड़ लेंगे। फिर से अपना रॉक पंच अटैक करते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो वो 2 अटैक करने पड़ेंगे हमें, पहले देख लेता हूँ भाई सर्वाइव तो कर ले। ओ गाइस चाय इस्तेमाल की है, ये हमारे पर असर नहीं करने वाला भाई। तो भाई मीटर का अटैक करते हैं गाइस। चलो भाई इसी के साथ गाइस जीत होती है हमारी। तो भाई और भी बचे हैं, उनके लेवल कितने होंगे मुझे वो भी देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब बहुत अच्छी खासी इसकी मिली है, लेवल भी अप हो गया इनका, बहुत बढ़िया। चलो ये भी गायब गाइस, और शायद से हमने किसको हराया, ग्रास को हराया गाइस, और हमें 9 बार ग्रास को हराना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल के लिए जाते हैं गाइस, चैलेंज करते हैं गाइस, शायद से मुझे लगता है फायर टाइप को, फायर टाइप वाला हमारे घर में हो सकता है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। चलो भाई चलो जल्दी चलो, तो वहाँ पे जाके पता लगेगा भाई कौन है, मैंने ढंग से देखा नहीं, मुझे लग रहा है गाइस फायर टाइप होगा वहाँ पे,
यार बहुत दूर जाना पड़ रहा है भाई, मुझे शायद से अपने बूट्स ले लेने चाहिए, थोड़ा स्पीड भागेगा लेकिन अभी इतनी खास इतनी ठीक है गैस स्पीड, उतना भी परवाह नहीं है। चलो भाई साहब कितना दूर है भाई? पहुँचेगा अभी थोड़े ही देर में पहुँच जाएंगे। ओ भाई बैटल नहीं लड़नी है मुझे लेकिन लड़के ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं गैस लड़ते हैं, एक बैटल लड़ते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है, कोई बात नहीं सबमिशन अटैक करते हैं। ओ भाई कितनी पतली थी ना, देखो गैस ये खजर का डैमेज। तो अगर एग्जामन का लेवल अगर वीक होगा तो उनके शील्ड भी वीक होगी गैस, तो उनका डिफेंस वीक होगा इसलिए ज़्यादा डैमेज मिलता है गैस। तो आपको याद होगा जिगलर से हमने पहली बार जब मुकाबला किया था वो 2000 का डैमेज दे रहा था भाई, लेकिन जब हमने लेवल अप किया गया उसके सारे के सारे अटैक बहुत फीके पड़ गए भाई साहब, क्या ही बताऊँ अभी। चलो गैस जाते हैं गैस घर के अंदर घुसते हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है गैस यहाँ पे एक वार्डन है गैस। ओ भाई साहब ये रहा गैस फायर टाइप ही है, तो वार टाइप सामने है ना गैस, हाँ गैस वार टाइप सामने है, तो चलो भाई चैलेंज करते हैं इसे, तेरी भैंस की हमारे घर में आएगा। चलो जी गैस इसको पकड़ूंगा, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं गैस, जब हमको सबको डिफीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएंगे। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, ओहो ये निकाला इसने, कोई बात नहीं अपने पावरफुल मौसमते हैं गैस। वेव रेंज से हमने इसको खत्म कर दिया भाई, एक ही अटैक बहुत काफ़ी था इसके लिए। चलो ये दूसरा, अरे यार ग्रास टाइप निकाल लिया इसने, चलो जी कोई बात नहीं सबमिशन अटैक है, अरे यार भाई साहब स्लिप मोड में गया, कोई बात नहीं गैस फायर टाइप को निकाल लेते हैं, तेरी भैंस के भी दिखाता हूँ, रुक जा भाई अटैक कर लिया अभी हम दिखाता हूँ भाई। तो भाई फायर लग अस्मत है मेरा सबसे फेवरेट मूव गैस, फायर लग बहुत ही मुझे खास लगता है गैस, आपको याद होगा चैरिज़ॉर्ड के पास ड्रैगन क्लॉक है वैसा ये फायर क्लॉक है गैस, मुझे इसलिए पसंद है। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं ज़्यादा असर नहीं करेगा, तो फायर लग अस्मत है फिर से, तेरी भैंस की डांग। ओ भाई 91 लेवल का है इसीलिए ज़्यादा डैमेज नहीं मिल रहा उसको। चलो जी उसने अटैक किया गैस, सेम अटैक किया है, मिस कर लिया भाई बहुत बढ़िया, स्लैश अटैक करते हैं गैस, तेरी भैंस ही निकल है ऐसे। चलो जी भाई साहब बहुत बढ़िया, आखिर नहीं तुम्हें बचा गया, देखते हैं वाटर टाइप है हमें चेंज करना ही पड़ेगा भाई अभी। चलो जी वाटर टाइप के लिए हम अपना एलईडी टाइप निकाल लेता हूँ भाई, आ जा भाई अभी दिखा तेरा दम। चलो जी कोई बात नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं, मुझे भूल गया भाई इलेक्ट्रिक ब्लास्ट कौन सा था इसमें, शायद ये नहीं इलेक्ट्रिक ब्लास्ट तो नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल मूव है। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया लेवल अप हुआ है बहुत बढ़िया, चलो इसको भी हरा दिया गया, अरे यार इनको बहुत ज़्यादा हराना पड़ेगा भाई, 10-10 बार हराना पड़ेगा इसको, 5 बार हराना है गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ ये बहुत ताकतवर होगा अपना जिगलर, तो जिगलर को 5 बार हराना है तो बहुत ताकतवर होगा, लेकिन बाकियों को बहुत कम ही बार हराना है भाई। मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ भाई ऊपर कोई है तो नहीं, पता चले ऊपर भी कोई बंदा बैठा है। चलो भाई ऊपर कोई नहीं गाइस, थोड़ी सी लूट पड़ी यहाँ पे भाई, हमारा बेड वेड देखो, ओ भाई साहब 10 डायमंड्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा भाई साहब, यार घर की हालत देखो यार, मतलब उसने ओमनिक्रॉन ने क्या ही हालत कर दी भाई यहाँ की। चलो जी यहाँ पे थोड़ा एलिजर मिला है, एलिजर की हमें ज़रूरत नहीं भाई, वहाँ पे थोड़ी लूट पड़ी है गैस वो भी ले लेता हूँ भाई, ये दिख ही नहीं रहा भाई साहब बहुत ही क्लोज दिख रहा है। चलो गैस यहाँ पे हमें ट्रैप हो भाई, लैपटॉप पड़ा है भाई, ओ भाई साहब क्या ही हालत हुई है गैस, घर को रिपेयर कब करेंगे ये भी सोचना पड़ेगा हमें, घर को रिपेयर करना पड़ेगा भाई, छोड़ नहीं सकते भाई अपना घर है। चलो जी फिलहाल के लिए गैस यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, फिलहाल के लिए हम बाहर चलते हैं, ऑर्डन्स को हरा दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगली बार जब हम उससे मुकाबला करेंगे तो कितने लेवल के होंगे, तो यार ये भी सोचने की बात है, तो मुझे अपना लेवल अप करते रहना पड़ेगा भाई। चलो भाई साहब तो गैस कोई बात नहीं गैस, लेवल अप करेंगे और उनका, अरे यार मैं गलती से पैर रख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं सबमिशन अटैक कर दो इसको, भेजो और आगे बढ़ते हैं। तो भाई लेवल अप करूँगा, जल्दी ही लेवल अप करूँगा और सबको हराऊँगा गैस, और लेजेंडर नहीं तो मैं उनको पकड़ूंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं उनको। तो मुझे क्या लगता है मुझे अपना नेक्सो ट्रैप बाय कर लेना चाहिए, मतलब गोल्डन नेक्सो ट्रैप होते हैं ना उनको बाय कर लेना चाहिए, अगर बाय कर लेंगे तो इनको पकड़ने में बहुत आसानी होगी, वरना तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है इनको पकड़ने में। चलो भाई साहब कोई बात नहीं गैस, फ्यूचर में देखूंगा भाई पकड़ने के जब वक्त आएगा तो देखूंगा बाय करूँ या फिर नहीं, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। और एक वार्डन को चैलेंज करेंगे, और एक वार्डन को चैलेंज कर लेंगे तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो यार मैं यहाँ ऊपर जाके देखता हूँ भाई यहाँ पे हो सकता है क्या, देखना पड़ेगा, अगर और एक वार्डन मिल जाता है गैस मज़ा ही आ जाएगा। ओ भाई साहब ये रहा गैस, शायद से इलेक्ट्रिक टाइप है गैस ये, आई थिंक मुझे लग रहा है भाई इलेक्ट्रिक टाइप होगा, तो हमें वो वाटर टाइप को सामने नहीं रखना है, फायर टाइप की हालत थोड़ी ख़राब है गैस, मैं इसको सामने रख लेता हूँ भाई बहुत बढ़िया, तो फायर टाइप को थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं, पोशंस बहुत ज़्यादा हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लो। चलो भाई साहब ओके भाई मैक्स हो गया, चलो जी इसको चैलेंज करते हैं इसको, चलो गाइस इसको चैलेंज करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक है गाइस, इलेक्ट्रिक वार्डन को चैलेंज करते हैं भाई। चल भाई आजा भाई, ये देखने में देखो यार कितना बड़ा ही लगता है भाई ये, चलो जी आजा
ट्विटर क्रश अटैक करते हैं गाइस, तेरी भैंस की टांग। ओ भाई एक ही बार में चला गया, बहुत बढ़िया। 85 लेवल है हमारा, 93 लेवल है गाइस, 83 लेवल का आ गया गाइस। चलो जी कोई बात नहीं, एलईडी टैप है। ओ भाई सबमिशन अटैक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है भाई। तो भाई फिर से मीटर क्रश अटैक करते हैं, तो भाई अभी स्ट्रांग अटैक ही करेंगे। चलो जी और तीन बचेंगे, और तीन बचे हैं देखते हैं। ओहो इलेक्ट्रिक अटैक असर नहीं करते भाई, समझा करो। मीटर क्रश अटैक करते हैं गाइस फिर से। चलो जी सबको मीटर क्रश अटैक करूंगा भाई, अभी सबसे पावरफुल कैसा हमारा मीटर क्रश। चलो जी और दो नज़म, और दो नज़म बचेंगे, आराम से आराम से आराम से हो जाएगा इसका भी। तो भाई इस बार हम अपना कॉन्फिडेंस अटैक करते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। चलो जी ये भी अच्छा खासा अटैक पावर दे रहा है गाइस, बहुत बढ़िया। अरे यार वाटर टैप निकाल लिया इसने, शिट भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम अपना एलईडी टैप निकाल लेता हूँ भाई। इसकी बार गाइस हम अपना इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करते हैं गाइस, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। चलो जी गाइस हमने तीन तीन वार्डन्स को हरा दिया है गाइस नेक्स्ट बैटल में, तो उनका ट्रू फॉर्म भी फेस करेंगे भाई एक दिन। चलो जी गया, और ये हमारे काउंट हो गया गाइस उसका भी। तो भाई अभी 99 टाइम को हराना पड़ेगा हमें, चार नेक्सोम। ओ भाई साहब हमने चार चार नेक्सोम, तो हम चार वार्डन्स को हराया भाई। चलो जी हमने चार वार्डन्स को हराया गाइस, तीन नहीं चार भाई, मैं मुझे लगा मैं तीन को हराया है। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया, अभी फिलहाल के चलते हैं गाइस। ये रहा अपना अपना जिम लीडर गाइस ओवरसीयर। चलो भाई इसको अपना दुख बनाने दो, मतलब ये अपना जिम जा चुका है तो दुख बना रहा है गाइस। चलो जी ये रही, तो इससे तो गाइस इसमें पहले ही बात कर चुका हूँ इससे, तो यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस अभी हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस करने हैं गाइस, अभी सबको हराना है भाई। तो मैं थोड़े बहुत स्किप कर सकता हूँ पार्ट्स, तो देखना पड़ेगा यार, डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ गाइस तो मैं इनको सबको पकड़ूंगा, सबको बैटल लड़ूंगा और हराऊंगा भाई। और मैं स्वाडे को शुरू करने की सोच रहा हूँ गाइस, देखते हैं हो पाता है फिर नहीं। और आप बहुत सारे बंदे बोल रहे हो लेट्स गो पिकाचू खेलो, तो गाइस वो एक पीसी गेम है, तो मैं ट्राई करूँगा फिर भी। देखो अगर मैं पीपीएस एम्यूलेटर में डालने की कोशिश किया लेकिन थर्ड पार्टी से कुछ भी ठीक नहीं होता गाइस, तो समझा करो। तो फिर भी फ्यूचर में ट्राई करूँगा कोई पोकेमॉन गेम खेलेंगे गाइस। आज के लिए बस इतना ही, तो गाइस होप कि आज की वीडियो को पसंद आएगी, पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।